हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, कि बैटल ऑफ प्लासी है क्या, ये किस किस के बीच लड़ी गई, कब लड़ी गई और कहाँ लड़ी गई। तो दोस्तों, सब कुछ बताऊंगा आपको डिटेल से, आप लोगों को करना क्या है, मेरी वीडियो एंड तक देखनी है, लाइक करनी है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों, करते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। तो दोस्तों, बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी 23 जून 1757 में, और यह लड़ी गई थी अंग्रेज और मुगल बादशाह के बीच। तो दोस्तों, मुगलों की तरफ से कौन था? तो दोस्तों, मुगलों की तरफ से थे उस वक्त के नवाब सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब थे उस वक्त के, इनसे, और अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व करते हैं वो थे रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों के बीच युद्ध होता है, बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में, और इस बैटल के अंदर परिणाम ये निकलता है कि जो बंगाल के नवाब होते हैं सिराजुद्दौला, वे हार जाते हैं। दोस्तों, हारने का सिंपल भी जो तरीका होता है, बड़ा सिंपल होता है, जो सिराजुद्दौला था वो बैटल शुरू होने से पहले ही भाग जाता है। तो बात क्या होती है दोस्तों, अंग्रेजों का एक आसान सा तरीका होता है कि फोर्ट गिरना, कि किसी भी घर में फोर्ट गिर दो लालच देके, तो आसानी से उसको हरा जाता था। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो सिराजुद्दौला की सेना थी उसकी संख्या थी 50,000, और जो ब्रिटिश आर्मी थी वो थी कुल 3,200, यानी 3200 सैनिक थे ब्रिटिश सेना के अंदर, फिर भी उन्होंने सिराजुद्दौला की सेना को हरा दिया। तो ऐसे इन्होंने क्या करा? तो इन्होंने करा क्या दोस्तों, जो सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति था मीर जाफर, उससे संधि कर ली और कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए और हम सिराजुद्दौला के बाद आपको यहाँ का नवाब बना देंगे। तो लालच देने का आदत तो उनसे पहले से थी, जब से आए थे 1600 में, जब से अंग्रेज आए थे, लालच देने की बात पहले से थी। तो दोस्तों, जो मीर जाफर था वो मान गया, और जो सेना थी वो मिर्जा फर क्या ना मानती थी, क्योंकि दोस्तों कहीं भी कोई भी चीज होती है, जैसा हमारे देश में राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति से ज्यादा जो चीज है, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, वो सेना की ज्यादा मानेगा, जो सेना का जो हेड होगा उसकी ज्यादा मानेगा। वो उस वक्त भी यही होता था, जो राजा होता तो राजा तो अपना राज्य कारोबार देखता, लेकिन सेना को सेनापति देखता था। तो जो सेना होती थी वो सिर्फ सेना ही पति को जानती थी। इस कारण जो बैटल ऑफ प्लासी है, इसके अंदर सिराजुद्दौला की हार हो गई, क्योंकि मीर जाफर जो था उस वक्त सेनापति सिराजुद्दौला की तरफ से, वो अंग्रेजों के साथ मिल गया। तो इसके बाद क्या था, सिराजुद्दौला वहां से बैटल छोड़ के भाग जाता है, और वे अपने पूरे परिवार के साथ पटना चला जाता है। फिर उसके बाद क्या था, जो मीर जाफर का जो बेटा होता है वह सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है पटना के अंदर। इसके बाद जैसे बैटल ऑफ प्लासी खत्म हुई, और इन्होंने जैसे मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया, तो इन्होंने कहा कि जो हमारा खर्चा इस युद्ध में हुआ है, जो खर्चा हुआ है उसका हमें हर्जाना चाहिए। तो दोस्तों, जब क्योंकि मीर जाफर जो था वो ब्रिटिश का गुलाम था, उनके कहने पर उसको गद्दी बिठाया गया था, और वह अपना रूल रेवोल्यूशन चलाने वाले थे अब बंगाल के अंदर। तो दोस्तों, फिर क्या होता है, जो मीर जाफर होता है वो उनको राशि देता है, राशि भी इतनी देता है जो कोई सोच नहीं सकता। दोस्तों, आज के टाइम में उन रुपयों की कीमत खरबों थी, जो 1757 में उसने दिए थे, और पूरे उन रुपयों की कीमत थी 17.5 लाख रुपए, जो उन्होंने अंग्रेजों को दिए थे हरजाने के तौर पर। मतलब एक तो हमें हराया भी, हमारे यहीं पर रहे भी है, और युद्ध जीते लूटा, और फिर भी हरजाना हमसे लिया। तो दोस्तों, ये नीति अपनाते थे अंग्रेज लोग। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। थैंक यू।